नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Pad Elite vs Huawei Mate Pad T8 Elite का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Realme Pad में 9.69 इंच जबकि Pad T8 Elite में 7.86 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme Pad से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme Pad में 6.14 इंच जबकि Pad T8 Elite में 4.77 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme Pad से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme Pad में 0.27 इंच जबकि Pad T8 Elite में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme Pad से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme Pad में 440 ग्राम्स जबकि Pad T8 Elite में 310 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme Pad में 10.4 इंचेस जबकि Pad T8 Elite में 8.0 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme Pad में 1200x2000 और Pad T8 Elite में 800x1280 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme Pad में 80.24% जबकि Pad T8 Elite में 77% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme Pad में 224 पिक्सल प्रति इंच जबकि Pad T8 Elite में 189 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme Pad में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Pad T8 Elite की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों टैब में दो डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme Pad में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि दो डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Pad T8 Elite में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme Pad में Mali G52 MC2 जबकि Pad T8 Elite में Powerwall GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme Pad में MediaTek Helio G80 और Pad T8 Elite में MediaTek MT8768 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme Pad में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि Pad T8 Elite में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme Pad में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Pad T8 Elite में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme Pad में अप टू 1TB जबकि Pad T8 Elite में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme Pad में Android V11 जबकि Pad T8 Elite में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी Realme Pad में 7100mAh जबकि Pad T8 Elite में 5100mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर की बात करें तो Realme Pad में दो कलर्स जबकि Pad T8 Elite में एक कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme Pad में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 16,452 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है, और बात करें Pad T8 Elite की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Pad S में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Huawei Mate Pad T8 Lite की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में Realme Pad आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें नोकिया T20 है, दूसरा लेनोवो टैब K10 Lite है, तीसरा एसर 184 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें मोटो टैब G20 है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।